ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। देखो विरोध ये किसान नहीं है, कुछ पार्टी के लोग हैं दूसरी पार्टी के जो दुष्यंत का विरोध कर रहे हैं। दुष्यंत ने संघर्ष किया, दुष्यंत संघर्ष करेगा, इसी संघर्ष के रास्ते दुष्यंत एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। कि पैसों का हाथ नहीं लगाते थे वो कभी भी, अगर किसी ने रिश्तेदार ने भी उनको वैसे मान सम्मान किया तो वो उसी टाइम लड़की को दे देते थे। जननायक जनता पार्टी के संघर्ष लिखा हुआ है, पहले भी बहुत संघर्ष किया है, अब पूरा संघर्ष भी करेंगे और चुनाव जीतेंगे। आए दिन कहते थे टूटेगा टूटेगा, तो मेंटली प्रिपेयर आदमी होता है कि भाई देखो अलग अलग पार्टियां, कोई पार्टी तो मर्ज हमारी हुई नहीं। दुष्यंत ने बहुत ईमानदारी से साथ निभाया है, सीट शेयरिंग पर अगर गठबंधन उन्होंने अलग किया है तो कोई बात नहीं। जननायक जनता पार्टी ने पहले भी संघर्ष किया था। क्या कहेंगे, किस तरह का व्यक्तित्व था दादाजी को? देखो मैंने तो शादी के बाद से उनको देखा है बहुत पास से, तो मैंने तो उन जैसा आदमी आज तक देखा नहीं। बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत नेक दिल, ऊंचा बोलते हुए नहीं देखा कभी उनको। और सबसे बड़ी बात जो मैंने उनके अंदर देखी थी ना, कि पैसों का हाथ नहीं लगाते थे वो कभी भी, अगर किसी ने रिश्तेदार ने भी उनको वैसे मान सम्मान किया तो वो उसी टाइम लड़की को दे देते थे। ये मैंने उनके अंदर बहुत बड़ी खूबी देखी थी। बाकी हर तरफ उन्होंने प्यार ही प्यार बांटा है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको भी खूब दादा ससुर ने पूरा लाड पूरा आशीर्वाद दिया होगा? बिल्कुल, मेरी शादी के बाद वो चीफ मिनिस्टर बने थे 87 में, और मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी उनको देखा है, और अजय अपने दादाजी के बहुत क्लोज थे, तो सफ़र मैंने बहुत उनके साथ किए, चाहे वो कुल्लू मनाली का हो चाहे जहाँ भी वो गए हैं। वो प्रधानमंत्री पद पर जब थे तो मैंने उनको, मतलब बोलते तो हम नहीं थे दादा ससुर करके उनके साथ, बस पास आके फोटो खिंचवाई हुई है, बाकी मैंने कभी उनसे बात नहीं की, पर लाड बहुत रखा है उन्होंने। मैम बात की जाए तो अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जेजेपी की क्या तैयारियां हैं? जेजेपी की अपने स्तर पर जमीनी स्तर पर बहुत अच्छी तैयारियां हैं, और जननायक जनता पार्टी के संघर्ष लिखा हुआ है, पहले भी बहुत संघर्ष किया है, अब पूरा संघर्ष भी करेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। गठबंधन टूटने के बाद क्या फ्रंट फुट पे आ पाएगी जेजेपी? नहीं, ऐसा गठबंधन का हमारे कोई असर नहीं है। ये जो राज था ये हर दिन, मतलब आए दिन कहते थे टूटेगा टूटेगा, तो मेंटली प्रिपेयर आदमी होता है कि भाई देखो अलग अलग पार्टियां, कोई पार्टी तो मर्ज हमारी हुई नहीं ना। हमने जब गठबंधन किया था तो कोई ऐसी सीट शेयरिंग या हमारी बात नहीं हुई, ठीक है साथ दिए, और बहुत मैं कहती हूँ एक तन मन से दुष्यंत ने बहुत ईमानदारी से साथ निभाया है। सीट शेयरिंग पर अगर गठबंधन उन्होंने अलग किया तो कोई बात नहीं। जननायक जनता पार्टी ने पहले भी संघर्ष किया था, और अब फिर संघर्ष करके, पहले भी लोग कहते थे भी ये माँ बेटा भी जीत के नहीं आएंगे विधानसभा में, और दुष्यंत ने कड़ी मेहनत कार्यकर्ताओं के साथ मिलके की थी, तो 10 सीटें हमारी आई, और अब भी हम उसी कड़ी मेहनत से लोकसभा में पहुँचेंगे। क्या वजह मानते हैं गठबंधन किस वजह से टूटा? नहीं, गठबंधन टूटने की देखो लंबी चौड़ी चीज़ तो है सीट शेयरिंग, जो सीट हम मांग रहे थे वो भाजपा में दे नहीं रही थी, जो दे रही थी वो हम नहीं ले रहे थे, और दूसरा ये था कि दुष्यंत ने कहा था पेंशन बढ़ा दो 5100 रुपये, तो भाजपा ने कहा नहीं पेंशन नहीं बढ़ेगी, हम पेंशन नहीं बढ़ा सकते, तो फिर अगर हमारी कोई बात भी नहीं मानी जा रही तो फिर साथ रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो पहले भी बाकी देखो नगर परिषद हो चाहे जिला परिषद का इलेक्शन हो सरपंच का, सब हमने अलग अलग लड़े थे, तो ये भी लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कल दुष्यंत का कुछ विरोध भी? देखो विरोध ये किसान नहीं है, कुछ पार्टी के लोग हैं दूसरी पार्टी के जो दुष्यंत का विरोध कर रहे हैं, पर मैं एक आपके माध्यम से बात कहूंगी कि दुष्यंत को पहले भी दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, तो दुष्यंत ना दबेगा ना दुष्यंत डरेगा। दुष्यंत ने संघर्ष किया, दुष्यंत संघर्ष करेगा, इसी संघर्ष के रास्ते दुष्यंत एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। के परिवार से भी कुछ चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल, हिसार से लड़ेंगे, कोई भी परिवार का एक सदस्य जो है वो हिसार से इलेक्शन लड़ेगा। चर्चा ये है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं? कोई भी लड़ो, परिवार का सदस्य लड़ेगा।